कॉमन न्यूज सदैव सर्वांच्या सोबत। कॉमन न्यूजच्या ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी आताच आमचे कॉमन न्यूज चॅनल सबस्क्राइब करा। मानवता संदेश फाउंडेशन और अहमदनगर जिला उर्दू साहित्य परिषद की जानिब से ईद मिलादुन नबी के मौके पर बिरादराने वतन में सीरत से मुतालिक किताबें तकसीम करने की मुहिम का आगाज ईद मिलाद के मौके पर कल श्रीरामपुर में किया गया। ज्येष्ठ साहित्यिक तथा आमदार लहूजी कानड़े साहब, एडिशनल SP वैभव कलबुर्मे साहब, DYSP डॉक्टर बसवराज शिव पूजे साहब, हिंद सेवा मंडल के सचिव संजय जी जोशी, संत साहित्य के अभ्यासक अरुण पाटिल नाईक, कामगार नेते जीवन सुरुडे, सामाजिक चळवळीचे नेतृत्व फैयाज भाई इनामदार, पोलीस निरीक्षक नितीन देशमुख, दैनिक सारोमत के वृत्त संपादक बद्रीनारायण वडने, दैनिक लोकमत के शिवाजी पवार, दैनिक केसरी के अनिल पांडे, दैनिक दिव्य मराठी के नवनाथ कुताळ, दैनिक पुढारी के राजेंद्र बोरसे मामा, श्रीराम तरुण मंडळाचे संस्थापक अशोक भाऊ उपाध्याय, मनसे जिल्हाध्यक्ष बाबा शिंदे आदि को किताबें देकर इस उपक्रम का शुभारंभ किया गया। मानवता संदेश फाउंडेशन और अहमदनगर जिला उर्दू साहित्य परिषद के अध्यक्ष सलीम खान पठान और इन तंजीमों के साथी तनवीर भाई शेख, खालिद मोमिन, डॉक्टर सलीम शेख, अकबर भाई शेख पहले दिन की आगाज में मुहिम में शामिल थे। सभी लोगों ने इस उपक्रम का स्वागत किया। बोले और सभी मेरे भाइयों, आज ईद मिलाद के अवसर पर मैं आप सभी भाइयों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। मुझे पहली बार आज एक अच्छी बात, अच्छी खबर मिली। हमारे कुछ लोगों ने प्रेषित हजरत मोहम्मद पैगंबर की जीवनी का मराठी में प्रकाशन किया है और वो सभी को बांट रहे हैं। मैंने जब वो पढ़ा तो बहुत अच्छा लगा। जिन लोगों ने ये काम हाथ में लिया, मैं उनको सभी को धन्यवाद देता हूँ। फिर एक बार इसकी आप सभी को मुबारक देते हुए मेरी बात खत्म करता हूँ। धन्यवाद। और नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मुतालिक जानकारी में दिलचस्पी का इजहार किया। किताबों के चुनाव में पुना के हमारे दोस्त फैयाज भाई इनामदार और कलीम अजीम साहब, इनका भी बड़ा गाइडेंस रहा। पूरे जिले में सभी लोगों तक ये किताबें अब पहुंचाई जाएगी। इस नेक काम में साथ देने वाले तमाम भाई और बहनों को अल्लाह ताला बेहतरीन अजर अता फरमाए, आमीन। कॉमन न्यूज के लिए प्रतिनिधि मुजीब शेख, श्रीरामपुर।